हाय गाइस, वेलकम बैक टू रजत टेक अगेन। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ धमाकेदार डील्स लेके आया हूँ। सभी लोग स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और पता नहीं क्या क्या आपको डील्स बता रहे हैं, बट आप में से काफ़ी लोग हैं जो स्पीकर, अच्छे ट्रिमर, कुछ अच्छे डील्स चाहते हैं ऐसे लैपटॉप के एक्सेसरीज पे। स्पेशली ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए होने वाली है, प्लस कुछ बोनस डील्स भी मैं आपको बताऊंगा मोटे मोटे गैजेट्स पे आखिर में। तो दोस्तों, बिना देरी करे मैं रजत रजटिक चैनल में आपका स्वागत करता हूं और स्पीड से वीडियो शुरू करते हैं। फटाफट से सबसे पहले शुरुआत करूंगा मैं स्पीकर और साउंड रिलेटेड गैजेट्स के साथ, और इस कड़ी में सबसे पहला मेरा आता है ये बोट रग्बी का वायरलेस ब्लूटूथ स्पीकर। दोस्तों, ये स्पीकर मुझे इस्तेमाल करते हुए लगभग 2 साल के आसपास हो चुका है, और इसको भी मैंने अमेजोन ग्रेट इंडियन सेल में परचेज़ किया था। और दोस्तों, 2 साल से अगर मैं कोई प्रोडक्ट चला रहा हूँ और उसके बावजूद भी उसकी तारीफ करने के लिए इस वीडियो में लाता हूँ, तो इसी वजह से आप समझ सकते हैं कि प्रोडक्ट जो है कितना ज़्यादा खास होगा। तो मैं बताना चाहूँगा, ये जो आपका साउंड क्वालिटी ऑफर करता है मैक्सिमम वॉल्यूम पर भी, जो चाइना जैसे स्पीकर होते हैं जो शिडलनेस और फटी फटी सी आवाज़ आती है, इसमें ऐसी बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है। आप जब भी साउंड प्ले करेंगे, इवन आप छोटे रूम में हो, बड़े हॉल में भी हो, इसका साउंड आउटपुट बहुत शानदार है। दोस्तों, लाउडनेस में कभी कोई कमी नहीं रहती है, साथ ही साथ बेस आउटपुट भी बहुत शानदार है। अगर बेस का परफॉर्मेंस और लाउड चाहिए, और ज़्यादा पंची और धमाकेदार बेस चाहिए, तो उसके लिए आपको मैं इसका नया वर्जन है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जिसका भी प्राइस अच्छा है वो परचेज़ करिएगा। मैं अब अपना बताता हूँ मैंने कितने परचेज़ करा था इसको। दोस्तों, ये लगभग 2000 के आसपास, 1800-2000 के आसपास रहता है, और मैंने इसको बिग बिलियन डे अमेजोन ग्रेट इंडियन सेल में 1100 रुपये का परचेज़ किया था। तो आप सोच सकते हैं कितना अच्छा डिस्काउंट मिला था। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रोडक्ट की तरफ। दोस्तों, ये प्रोडक्ट मैंने अभी रिसेंटली परचेज़ करा था। अगर आप भी ऑक्स केबल यूज़ करना चाहते हैं, बढ़िया क्वालिटी की कार है आपके पास, या किसी और स्पीकर से कनेक्ट करके करना चाहते हैं, तो ये बोट की रिसेंटली मैंने परचेज़ करी थी। के लिए टफ केबल नाम से आती है बोट की, और दोस्तों ये 400-500 के आसपास रहती, और साथ ही साथ ये गोल्ड प्लेटेड है, तो इस लिहाज से काफ़ी अच्छी है। और मैंने इसका साउंड भी टेस्ट किया था, टैंगल फ्री केबल है, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। मैं दिखाता हूँ आपको एक बार, आप ऐसे महसूस तो नहीं कर पाएंगे, मैं छू के पता लगा पा रहा हूँ कि कितनी सॉलिड है दोस्तों ये। सो आप अगर चाहते हैं कि एक ऑक्स केबल परचेज करना, और अगर आपको ये 300 के आसपास मिल रही है, 200-300 के आसपास, तो दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया डील है, क्योंकि 200-300 में बोट जैसी बड़ी कंपनी की बहुत ही अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट है ये। तो दोस्तों, ये तो हो गई मेरे स्पीकर्स की बात, एक वायरलेस स्पीकर हो गया, ये ऑक्स केबल हो गई। अब चलते हैं बड़े स्पीकर की तरफ। तो ये है मेरा धमाकेदार बड़ा स्पीकर, और दोस्तों विश्वास मानिए मैं 3 साल से यूज़ कर रहा हूँ। ये भी मैंने अमेजोन ग्रेट इंडियन सेल में परचेज करा था, FND का। अब तो नया वर्जन आ चुका है, वुडन स्पीकर था दोस्तों ये, तो उस वर्जन के हिसाब से दोस्तों इसका साउंड इतना बेहतरीन है कि अगर मैं इसको फुल साउंड में बजा दूँ पूरा घर हिल जाता है। तो अगर आप भी अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ छोटी मोटी पार्टी करते हैं और बढ़िया स्पीकर खोज रहे हैं, वायर्ड हो बट उसका साउंड आउटपुट बेहतरीन हो, बेस के अलग, जिसमें वॉल्यूम आप देख सकते हैं बेस का, वॉल्यूम का और बेस का अलग अलग इसमें आपको चेंज ओवर करने के लिए बटन्स दे रखे हैं, और ये काम करते हैं दोस्तों। और बेस अगर आप फुल कर दें तो बहुत ही बेहतरीन बेस साउंड आउटपुट देता है। सो मेरे हिसाब से अगर आप एक बजट फ्रेंडली बढ़िया 2.1 चैनल स्पीकर चाह रहे हैं तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। इसकी प्राइसिंग की बात करूँ तो ये लगभग 2200-2300 के आसपास जनरली रहता है, ऑफलाइन मार्केट में मिलता है, ऑनलाइन में भी जनरली इसका नया वर्जन भी 2300 के आसपास का रहता है। बट दोस्तों, ये सेल में आपको 1100 से लेके 1500 तक मिल सकता है, जो कि इस प्राइस सेगमेंट में इसको बेस्ट डील बनाता है। मैं इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बल्कि मैं सारी चीज़ों के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप सेल के दौरान खोजते ना रहें और आपका प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक ना हो जाए। सो दोस्तों, ये तो हो गई स्पीकर सेगमेंट की बात। अब बात करते हैं फटाफट से लैपटॉप एक्सेसरीज के बारे में। लैपटॉप एक्सेसरीज करूँगी क्योंकि ये आप तो किसी के साथ भी यूज़ कर सकते हैं फिलहाल। तो इस कड़ी में सबसे पहले आता है दोस्तों, ये सीगेट का हार्ड ड्राइव है, 1.5 TB का है। इसका स्पीड टेस्ट मैंने WD के साथ इसी सेगमेंट प्राइस में कर रखा है, आप ऊपर चेक कर सकते हैं। मैं आई बटन में इसका लिंक दे दूंगा, उसका भी कंपैरिजन और रिव्यू देख सकते हैं आप। दोस्तों, इसको इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, मुझे 1.5 साल के लगभग हो चुका है, और ये भी मैंने मेरे ख्याल से फ्लिपकार्ट या अमेजोन, जिसमें बेस्ट डील, उसका लिंक दे दूंगा मैं नीचे। और दोस्तों, इसका स्पीड मुझे अभी तक निराश नहीं करा, एक बार भी डेटा लॉस की शिकायत नहीं हुई मुझे इसमें।
मैंने इसको काफ़ी रफ़ यूज़ करा है, कई बार गिर भी चुकी है, तब भी इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आई है। हालांकि मैं आपको एडवाइस नहीं करूँगा कि गिर जाए, क्योंकि मैं लकी था, मे भी इसलिए नहीं टूटी, कुछ मेरे फ्रेंड्स की टूट भी चुकी है। परफॉर्मेंस के मामले में, क्वालिटी के मामले में और दोस्तों वारंटी के मामले में भी सीगेट की ड्राइव काफ़ी अच्छी निकल कर आती है। सो आप हैंड्स डाउन इसको पिक कर सकते हैं। दोस्तों इसका जनरल प्राइस 4200 के आसपास वेरी करता रहता है, बट सेल में आफ्टर कार्ड डिस्काउंट जो कि 10% HDFC और SBI पे चल रहा है, Amazon और Flipkart पे साइमल्टेनियसली, तो अगर आपको ये 38, 39 या 36 की में भी अगर मिल जाए तो दोस्तों बहुत बढ़िया डील है। हो सकता है ये आपको 3500 से भी कम की मिल जाए, अगर फ्लैश डील्स आती हैं जो कभी कभी आर्ट सेल्स में भी आती हैं दोस्तों। तो मेरे हिसाब से अगर आप एक बढ़िया हार्ड ड्राइव चूज़ करने का सोच रहे हैं तो सीगेट या इसकी कंपैरिजन वाली WD, दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इन दोनों में से जो भी आपको बेस्ट डील 3500 के आसपास मिल रही हो उसको परचेज करें और आप निराश नहीं होंगे, इसकी गारंटी मेरी है। सो दोस्तों अब चलते हैं और छोटी गैजेट्स की तरफ, और ये है मेरे वाईफाई अडैप्टर्स। इनमें से ये जो है ये TP-Link का है और ये वायोना का है। वायोना वाला मैं पिछले 3 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ, और जो TP-Link वाला है उसको भी मैंने कुछ ही दिनों पहले परचेज करा है, मेरे ख्याल से महीना भर अब इसको भी हो चुका है। तो दोस्तों अगर आप भी ये छोटे वाईफाई अडैप्टर्स चाह रहे हैं, आपका लैपटॉप खराब हो चुका है या अपने PC को वाईफाई में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो ये बहुत बढ़िया ऑप्शन है दोस्तों। फ़ायदा इन दोनों का मैं बता दूँ, 100 Mbps प्लस स्पीड कमिट करते हैं और ये ऑफर भी करते हैं, लिंक कनेक्शन स्पीड भी काफ़ी बेहतरीन है इनकी। तो दोस्तों ये TP-Link का मुझे जो वाईफाई अडैप्टर है ये Amazon से मैंने 500 के आसपास परचेज करा था। हालांकि वाईफाई अडैप्टर चीप जो होते हैं वो 200-250 के भी मिल जाएंगे आपको लोकल मार्केट से, Amazon से भी, बट मैं बोलूँगा उसको ना परचेस करें। मैंने भी एक परचेस करा था, बिल्कुल बेकार निकला था, हफ्ते भर में ख़राब हो गया, ये महीना भर हो गया उसको और अच्छा चल रहा है। TP-Link के मैंने अनबॉक्सिंग करी थी, अगर आप अनबॉक्सिंग वीडियो चेकआउट करना चाहते हैं इस साथ क्या क्या मिला था तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं, आपको ऊपर मैं आई बटन में इसका लिंक दे दूंगा, आप चेक कर सकते हैं दोस्तों। सो दोस्तों ये तो बात हो गई हमारे TP-Link की, अब आते हैं वायोना पे। तो वायोना का दोस्तों ये अडैप्टर है, ये भी आपको सेम स्पीड ऑफर करता है, थोड़ा सा चीप मिलता है। मैंने ये शायद 400 के आसपास परचेज किया था, 380 के आसपास का। अगर आपको ये वाईफाई अडैप्टर्स 300 के आसपास मिलते हैं या मे बी सेल में 200 के आसपास मिल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, इतनी बड़ी सेल्स आ रही हैं दोस्तों, फटाफट से ग्रैब कर लीजिएगा, क्योंकि ये ऐसा नहीं है एक महीना चल के 2 महीने ख़राब हो जाएंगे, ये सालों साल चलने वाली चीज़ है और आपको काफ़ी अच्छा कनेक्शन स्पीड भी ऑफर करती है। तो ये तो हो गए दो बढ़िया वाईफाई अडैप्टर्स के ऑप्शन। तो दोस्तों ये तो हो गई बात लैपटॉप एक्सेसरीज की, अब बात करते हैं दोस्तों कुछ और डील्स के बारे में, जैसा कि हो गया ट्रिमर। अगर आप एक बढ़िया ट्रिमर किट चाह रहे हैं जिसमें 2 mm से लेकर 18 mm तक सेटिंग्स हो और बढ़िया ब्रांड से आता हो, थोड़ी दोस्तों चार्जिंग में इसमें 8 से 9 घंटे लगते हैं, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। साथ ही साथ दोस्तों मेरे पास फिलिप का ट्रिमर था, उसका भी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो ट्रिमर इससे ज़्यादा शार्प कटिंग करता है क्योंकि वो 0.5 mm पर ट्यून्ड है। सो अगर आप चाहते हैं बढ़िया शार्पनेस वाला तो आप उसको साथ जा सकते हैं। इसमें आपको लेंथ सेटिंग ज़्यादा मिलती है, 18 mm तक जाती है, आप ज़्यादा बढ़िया फ्लफी बियर्ड रखना चाहते हैं उसके लिए आपका ये ऑप्शन अच्छा रहेगा। इसको भी इस्तेमाल करते हैं मुझे दोस्तों लगभग 2 साल हो चुके हैं और विश्वास मानिए 1700 से 1600 के आसपास ये अवेलेबल रहती किट, और मुझे बिग बिलियन 600 रुपये की मिली थी, जी हाँ 600 रुपये में। तो अगर आप परचेस करना चाहते हैं 600, 500 या 700 के आसपास का कोई बढ़िया ट्रिमर तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, या वो फिलिप्स वाला ट्रिमर जिसका मैं लिंक दूंगा, 1 ब्लेड नहीं है, दूसरा नॉर्मल वाला है बट बहुत अच्छा काम करता है। सो आप उनमें से जाके किसी को भी परचेस कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कुछ स्मार्टफोन डील्स के बारे में जो मेरे लिहाज से बेहतर हो सकती हैं और होंगी ही Amazon और Flipkart की बिग बिलियन डे सेल में। सो दोस्तों पहली बात करते हैं M31S की। दोस्तों ये मैंने परचेस करा था नॉर्मल डेज में, 500 का मोबाइल मुझे SBI कार्ड के थ्रू मिला था पूरे 18,000 रुपये में। अब दोस्तों क्योंकि इसका प्राइस कट डाउन कर दिया गया लिस्ट में और 18,500 का ये बिना किसी कार्ड के बोला जा रहा है, प्लस 10% का HDFC का बैंक डिस्काउंट भी मिलेगा, तो उसको अगर मद्देनज़र देखें तो आप 1600-1650 में ये परचेज़ कर सकते हैं और उस प्राइस में ये दोस्तों शानदार डील है। बाकी दोस्तों अगर आप इसका रिव्यू और कुछ कैमरा डिटेल्स चाह रहे हैं तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, साथ ही साथ आई कार्ड में भी लिंक दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं ताकि आपको क्लियर आइडिया मिल पाए कि ये फ़ोन आपके लिए अच्छा रहेगा या नहीं दोस्तों। हालांकि मेरे हिसाब से इस प्राइस पे काफ़ी अच्छी डील है। अब आके चलते हैं एक छोटे फ़ोन की तरफ, ये भी सैमसंग का नॉन चाइनीज़ इनिशिएटिव की तरफ से है और ये है सैमसंग का M01। दोस्तों ये 10,000 के अंडर सैमसंग का सबसे बेहतरीन फ़ोन है मेरे हिसाब से, क्योंकि दोस्तों इसमें लाइट UI का यूज़ किया गया है सैमसंग के द्वारा,
जो कि काफ़ी रिस्पॉन्सिव है, लैग नहीं बिल्कुल भी नहीं मिलता। 32 GB का ये मेमोरी वाला वेरिएंट है। इसकी प्राइसिंग दोस्तों 8000 के आसपास रहती है नॉर्मल डेज में, और आपको 10% का कैशबैक और अगर कुछ फर्दर डाउन मिला प्राइस में तो हो सकता है 7 के भी नीचे मिल जाइए। उस प्राइस में दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया डील हो जाएगी। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और दोस्तों आप विश्वास मानिए, सैमसंग के मैंने पहले भी 10,000 के नीचे के फ़ोन चलाए हैं, उसमें बिल्कुल भी स्मूथनेस नहीं थी। ये वाला फ़ोन उस चीज़ को चेंज करता है, तो आप डेफिनेटली इसको पिक कर सकते हैं। सिर्फ इसकी एक ही कमी है कि इसका थोड़ा सा जो स्पीकर आउटपुट है काफ़ी जो नॉइजी एरिया है उसमें कम लगता है, अदरवाइज इट्स गुड। अब चलते हैं सबसे ज़्यादा हाइप स्मार्टफोन इस पूरे ईयर का, और वो है कोरोना के बाद OnePlus Nord दोस्तों। तो दोस्तों OnePlus Nord जो है इसको ये मैं पिछले 2 महीने से इस्तेमाल कर रहा हूँ, अच्छा है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा, बट कुछ कमियाँ भी हैं, उसको आप रिव्यू में देख सकते हैं। मैंने काफ़ी इनडेप्थ रिव्यू बनाया था अगर आप डिटेल में चाहते हैं, क्योंकि अगर मैं सारी चीज़ें इस वीडियो में बताना चाहूँगा तो बहुत वीडियो ऑलरेडी लंबी हो चुकी है। सो आप कार्ड में लिंक मैं दे दूँगा, आप देख सकते हैं इधर या उधर कहीं एक जगह होगा। सो बाकी मैं आपको प्राइसिंग की मेन बात बताता हूँ। प्राइस इसका मुझे पड़ा था 28,000 का मोबाइल था, 8128 वाला मुझे ये पड़ा था 26,500 रुपये का, जो कि मुझे बैंक डिस्काउंट था SBI का उस पर मिला था। अब आप इसको सस्ते में और ले सकते हैं, क्योंकि जैसी खबर आ रही है उसके हिसाब से ये 26 या 27 के आसपास ऑलरेडी प्राइस ड्रॉप कर दिया गया है, प्लस बैंक डिस्काउंट मिलेगा, तो आप बहुत आराम से 25 के आसपास इसको परचेज़ कर सकते हैं आफ्टर ऑल बैंक डिस्काउंट्स। और 25 के आसपास दोस्तों 8128 वाला जो वेरियंट है वो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा डील हो सकता है आपके लिए। साथ ही आप इस प्राइस रेंज में इसका अपर वेरिएंट जो आपको 12 GB रैम और 256 GB स्टोरेज के साथ मिलता है, क्योंकि स्टोरेज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है, ऐप्स और उनकी अपडेट्स लगातार बढ़ती चली जा रही हैं मेमोरी साइज़ में, तो आप उसको भी कंसिडर कर सकते हैं अगर आप 3-4 साल या उससे ऊपर फ़ोन यूज़ करने का सोच रहे हैं। तो आप दोस्तों फ़ोन से निकल कर आते हैं अगली चीज़ जो है मेरी आईपैड। ये आईपैड दोस्तों मेरा पहला एप्पल का प्रोडक्ट है और अभी तक का दोस्तों इकलौता भी मैं कह सकता हूँ। आगे अगर आप लोगों का प्यार बना तो और आईपैड्स और आईफोन्स भी आएंगे। सो दोस्तों ये जो अपना आईपैड है इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है, 2 GB रैम और A10 फ्यूजन चिप होने के साथ बहुत ज़्यादा स्मूथ है। जी हाँ, केवल 2 GB रैम है फिर भी बहुत ज़्यादा स्मूथ है। इवन जो मेरा नॉर्ड है इसका जो 90Hz का डिस्प्ले है इसको भी दोस्तों बहुत आसानी से ये टक्कर दे देता है, क्योंकि दोस्तों लगता है ये 90Hz का जो डिस्प्ले है इसकी सच में एप्पल को कोई भी ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आप देख सकते हैं सो ये आई मूवी का सॉफ्टवेयर मैं क्लिक करके दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया तरह से ओवरक्लॉकिंग टाइम है, जबकि मैंने लगभग पूरा ये आईपैड भर रखा है। तो मैंने अब प्राइस की बात कर रहे हैं, मेन जो टॉपिक है इस वीडियो का, तो प्राइस दोस्तों इसका 25-26 के अराउंड हॉवर करता है पूरे साल भर नॉर्मल डेज में। ये मैंने बिग बिलियन डे में लास्ट टाइम लिया था अराउंड 21,000 का। सो इस प्राइस के अराउंड अगर अभी आपको ये मिलता है 20 या उसके अराउंड या उसके नीचे, 18 का भी मिल सकता है, डील्स काफ़ी अच्छी आ रही है इस बार, तो दोस्तों उस प्राइस रेंज में ये काफ़ी अच्छी डील होगी। स्पेशली अगर आप एक एप्पल फ़ैन हैं या एक नॉर्मल आप टैबलेट ही चाह रहे हैं तो आप आईपैड कंसिडर करिए, 18,000 के या 20,000 के आसपास ये बहुत ही बढ़िया डील होगी। डिस्प्ले दोस्तों क्वाड HD देखने को मिलता है इसमें, परफॉर्मेंस काफ़ी स्मूथ है। मेरी सारी YouTube की वीडियोस मैं इसी से एडिट करता हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि कितना अच्छा एडिटिंग परफॉर्मेंस भी ये देता है मुझे। सो ये तो हो गई दोस्तों बड़े बड़े गैजेट्स की बात। तो दोस्तों अब चलते हैं ये स्मार्ट वॉच की तरफ। ये दोस्तों है Fitbit की Versa वर्जन 1, और ये वाली स्मार्टवॉच जो है ये भी मैं लगभग 2 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ। बिग बिलियन डे में इसकी प्राइस लास्ट टाइम 9,000 के आसपास आ गई थी। ये मैंने पर्सनली परचेज करी थी 14,000 की स्टोर से, तो आप देख सकते हैं मुझे काफ़ी दुख हुआ था, 4-5,000 का दोस्तों लॉस हो गया था मेरा। अगर आप इसका, मैं इसका नया वर्जन का लिंक भी डाल दूंगा, उसकी प्राइस शायद लगभग 20-25,000 के आसपास है। अगर ये दोनों वॉच आपको उसी तरह से जैसे पिछली बार 10-10,000 या 5-5,000 का डिस्काउंट मिला था, तो दोस्तों आप डेफिनेटली जा सकते हैं। इनकी खासियत क्या है, जो एक्यूरेट हार्ट मॉनिटर है इसका, एक्यूरेट आपकी रीडिंग्स देता है, जो जो चीज़ में ऑफ़र करी गई है सारी चीज़ 99.9% एक्यूरेट है। MI वॉचेस जो मैंने देखी हैं काफ़ी सस्ती तो होती हैं ये आपकी हवाई वॉचेस, बट उनका जो मॉनिटर है वो उतना ज़्यादा बेहतरीन नहीं है। अगर आप एक फिटनेस बैंड या स्मार्ट वॉच की तरह कंबाइंड एक वॉच लेना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली इसको परचेस कर सकते हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है ये फिर से 9,000 के आसपास आपको देखने को मिल जाएगी दोस्तों। सो दोस्तों ये तो बात हो गई सारी गैजेट्स की, जो भी मेरे पास थे मैंने आपको दिखा दिए। आप बोर्ड की बात हो गई, स्पीकर की बात हो गई, स्मार्टफोन की बात हो गई,
इसके बाद हो गई लैपटॉप की, दोस्तों मैं बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो एक सेपरेट, अगर आप चाहोगे तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं उसकी भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। इसमें मैंने कुछ बेसिक एक्स सीरीज के साथ कुछ बोनस डील्स के बारे में आपको बता दिया है। साथ ही साथ दोस्तों मैंने कुछ आईफोन्स बहुत अच्छे प्राइस में मिल रहे हैं, उसको भी एक सेपरेट वीडियो में कवर करने वाला हूँ। आज ही शायद वो वीडियो अपलोड हो जाएगी, तो उसका मैं बाद में लिंक आई कार्ड में दे दूंगा, आप उसको भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों काफ़ी अच्छी डील्स आ रही हैं इस बार, जो उम्मीद थी उनसे ज़्यादा बेहतर डील्स निकल कर आ रही हैं। अभी साल भर में जितनी भी सेल्स आई हैं उन सब में सबसे अच्छी डील है। आप में से जिन लोगों ने सब्र किया है उनके लिए बहुत अच्छा मौका है एक नया गैजेट ऑन करने का, या कोई भी चीज़ जो आप ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं काफ़ी अच्छे प्राइस में आपको देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना रखते हैं, सारी गैजेट्स के लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में हैं, आप जाके परचेज करें, नोटिफाई में ज़रूर क्लिक कर दें वहाँ पर जाकर, ताकि आपके पास जब भी वो डील आए मिस आउट ना कर दें, क्योंकि ऐसी डील्स जो 5-5, 10-10 हज़ार के डिस्काउंट के साथ आती हैं वो जल्दी टिकती नहीं है, आउट ऑफ स्टॉक बहुत जल्दी हो जाता है दोस्तों। सो आप में से परचेज करने के बाद जिनको भी ये गैजेट्स मिले वो ज़रूर मुझे कमेंट से बताएं कि आपने परचेज करा या आपको दिक्कत हुई परचेज करने में, तो डिस्कस करते हैं दोस्तों। फर्दर कोई भी डाउट हो आप बताएं मुझे कमेंट्स में। बाकी वीडियो बहुत लंबा हो गया तो अब मैं इसको यहीं एंड करना चाहूँगा, मिलते हैं अगले वीडियो में। 2-3 वीडियोज़ दोस्तों और भी आ रही हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि ये तीनों वीडियोज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं और आपका अच्छा खासा पैसा बचाने के साथ साथ आपको एक बेहतरीन गैजेट भी दिलवा सकती हैं दोस्तों। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बेल नोटिस चैनल के भी जरूर दबा दें सब्सक्राइब के साथ।